इसका थीम है अल्ट्रासोनिक कार सेफ्टी डिवाइस। इसमें हमने बेसिकली एक सेंसर यूज़ किया है, वो अल्ट्रासोनिक सेंसर, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। यहाँ पर हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे हम नॉर्मली जो डेली लाइफ में हम ट्रैवलिंग करते हैं, तो हम गाड़ी चलाते समय क्या होता है, हमारे जो रियर व्यू मिरर में हम देखते हैं कि पीछे कोई ऑब्जेक्ट है, हमें ये नहीं पता चलता कि वो जो कार है वो हमसे कितनी एग्जैक्टली डिस्टेंस पे है। और आधे बार क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि पास आ जाते तो हम तैरने लेंगे। इसलिए यहाँ पर एक क्या कर रहे हैं, कोडिंग दे रखी है हमने 15 सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर से दूर होगा तो सेफ्टी जोन है। अगर हम इसको 15 सेंटीमीटर से पास लाएंगे तो डिटेक्ट करके बजर बजा देगा। इसको हम अब रोबोटिक्स कार में यूज़ कर सकते हैं। रोबोटिक्स कार में रोबोट है, ऑटोमेटिक है, तो वो मिरर यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए वो सेंसर को सेंस करके ट्रैवल करके। नाइस। Will you buy a robotic car in your near future? Yes, ma'am. If possible. Okay. I will ride with you. Okay, ma'am. वैसे तो ये टर्न पे वो लगे होते हैं, मिरर लगे होते हैं बड़े बड़े, यहाँ पे आएगी तो ये आई सेंसर चल जाएगा ना, कार ले लेती है मैडम, कोई चीज़ तो नहीं। और जो है थोड़ा सा पेपर वाला भी वो बना सकते हैं ये तो सिर्फ आइडिया देने के लिए। मेरी तो आगे है ना, मैं फोटो ख़राब कर दिया आपने, मैं बैग उतार देता हूँ। आपने क्या कमाल कर दिया, ये तो मॉडल है हमने, ये भी आप देख लिया हमने, दिखाने के लिए है, अभी फंक्शनिंग इसके साथ नहीं है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो थीम है वो अल्ट्रासोनिक कार डिवाइस, नाम से ही पता लग रहा है। तो अगर उधर से कोई लाइट आएगी तो सब क्या बोलो, इधर वाली साइड ग्लो की लाइट ग्लो है, एक पर्सन जाके मैम को बोल ड्राइवर है उसे नीचे से ये पता चल जाएगा कि दूसरी साइड से गाड़ी आ रही है, पहले वो अवेयर हो जाएगा उस चीज के बारे में, एक्सीडेंट बोल से हो सकता है। इसमें पहले हमने आईआर का यूज करा था, जिससे ना वो पहले जिससे सारी कार आती थी यहाँ से सेंस हो जाता था, तो यहाँ लाइट ग्लो हो जाती थी, तो इधर वाले को पता लग जाता था कि यहाँ से कोई कार आ रही है, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ लाइट आईआर यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ टच सेंसर यूज कर पाए, फिर टच सेंसर से हम अगर यहाँ से आएगी लाइट तो यहाँ अगर टच सेंसर टच होएगी तो यहाँ लाइट ग्लो करेगी, तो इधर जो लोग होंगे उन्हें पता लग जाएगा कि यहाँ से कोई कार आ रही है, तो यहाँ एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और यहाँ से आएगी तो यहाँ पता लग जाएगा, तो यहाँ एक्सीडेंट। ठीक है, दोनों तरफ से मतलब सेंस है कि जैसे ही दबेगा दबते ही पता चल जाएगा कुछ आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, पहले प्रोजेक्ट का नाम बताएं, क्या प्रोजेक्ट है? सर हम लोगों ने मेनली इसे डिजिटल एलईडी और ब्लूटूथ के साथ उसको कनेक्ट करके उसके ऊपर हमने प्रोजेक्ट बनाया, जो कि हमारी मेजर प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारा स्कूल है उसके अंदर जो बच्चे हैं वो ऐसे ही ग्राउंड में घूमते रहते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, तो अगर प्रिंसिपल को कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी हो तो ये जो नोटिस बोर्ड हमने यहाँ लगाया है ना, ये हर एक क्लास के बाहर हो, ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल सर को कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो ना अपने फ़ोन से ब्लूटूथ कनेक्ट करके अपने ऑफिस में बैठे बैठे सारी कमांड्स दे सकते हैं। और पहले भी बजर ऑन होगा जैसे कमांड आएगी, ठीक है, जैसे कमांड आएगी तो पहले बजर ऑन होगा, उसके बाद सारे बच्चों का टेंशन इसकी तरफ जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर सारे डिस्प्ले आएंगे, इन्फॉर्मेशन देनी है सर को। और ये सर मेनली यूज होता है टेक्स्ट पेपर्स के लिए,
अगर उन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो वो इसको देख के मतलब पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है सर, और मैंने हम लोगों ने इसमें स्कूल स्कूल को दिखा गौर वैल्यू बहुत अच्छा। इसका आप ये भी कर सकते थे कि अगर मान लो एक प्रैक्टिकल करके भी दिखा सकते थे, अगर आप फोन को यूज करते वर्किंग मोड में तो दिखाना चाहिए आपको। फोन के साथ करना, हाँ फोन के साथ करना। पुलिस आ रही है स्कूल में आज। हाँ बेटे शाबाश, बताइए क्या है बेटे आपका प्रोजेक्ट क्या है? एक मिनट, चोरी तो चोरी है, वही करेगी सुबह तक कौन करती है पुलिस है। चलिए बच्चे क्या बताओ, क्या बेटे? सर क्या आशी डॉक्टर? ठीक है, कैसे क्या करता है, काम कैसे करता है? या फिर कहीं भी जैसे गैस फैक्ट्री है वहाँ पे गैस लीक होती है तो वो पता चल पाता है कितने अमाउंट पे गैस लीक हो रही है। तो सर यहाँ पे हमने एक सेंसर लगाया है, जब गैस लीक होगी सर सेंसर ये गैस को डिटेक्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक बजर फिट किया तो फिर वो हमें अलार्म करेगा कि वहाँ पे कोई गड़बड़ी है, हम उसे चेक कर लें। सर एक ये क्लैप स्विच घर में ना, जैसे कि हम मतलब कि बेसिकली बहुत लोग छोटे बच्चे होते हैं घर में तो फिर उनसे ना स्विच हाथ में नहीं आता तो फिर वो निकलते टाइम बंद नहीं कर पाते। तो सर ये क्लैप सिस्टम है, अगर हम क्लैप करते हैं तो ये क्लैप को डिटेक्ट करके सर जिसमें एक सेंसर लगा रखा है वो क्लैप को डिटेक्ट करता है और लाइट ऑन करता है। जब रूम से बाहर निकल रहा हम अगेन क्लैप करेंगे और फिर से लाइट ऑफ हो जाएगा। और सर एक बेल है, इसको हम इसके बाहर लंबी कर सकते हैं, जैसे कि कोई दूर बैठा है और उसका हमें जैसे कि हम ये डोर बेल के तौर पर यूज करते हैं सर इसको। और सर एक सीक्रेट लैंग्वेज है मोर्स कोड। हाँ बेटे क्या भाई आपका, बोलिए। सर तैयार हो? सर ये हमारा एलेक्सा प्रोजेक्ट है, वॉइस कमांड पे वर्क करता है। हम इसको वॉइस कमांड देंगे टर्न ऑन दी लाइट तो लाइट ऑन हो जाएगी। अगर हम एलेक्सा को बोलेंगे टर्न ऑफ दी लाइट तो लाइट ऑफ हो जाएगी। इसका यूज़ क्या है, जो लेजी पीपल हैं वो स्विच ऑन ऑफ नहीं करते, मतलब बैठे रहते हैं तो वो इस कमांड बैठे बैठे ही कहना कमांड दे देने। तो इसको इसने क्या ये आवाज़ आपकी उसने पहले आवाज़ को आपको उसको क्या कहो पहले कोई भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब इसने सिर्फ आवाज़ से ही पकड़ना है इसने, ठीक है, पर्टिकुलर कोई आवाज़ नहीं है। ठीक है, कोई भी बोल सकता है आवाज़, जैसे बोल के दिखाओ। एक्सटेंशन बोर्ड नहीं है तो लगाना चाहिए था आपने, कुछ दिखाना अरेंज कर रहा अभी। बहुत अच्छा शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। हाय सर, आई एम कृषि चतुर्थी फ्रॉम साइंस उत्सव विज्ञान ज्योति बैंगलोर टीम। ये बच्चे अभी जो JNV पंचकुला में हैं 3 दिन वर्कशॉप किए साइंस के। पहले दिन इसने सीखे है ये कनेक्शंस कैसे बनाना, सर्किट कैसे बनाना, और दूसरे दिन कुछ सेंसर्स बेसिक सेंसर्स यूज़ किए, जैसे लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर हो गया, क्लैप स्विच हो गया, मैग्नेटिक सेंसर हो गया, ऐसे यूज़ किए। और तीसरे दिन से इनको हमने रोबोटिक्स सिखाया, कोडिंग सिखाया, और वो दोनों हेल्प से ये एक अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाया सबकी यूनिक आइडियाज़ की। मतलब जैसे वो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढने में उनके दिमाग से आया ये आइडिया। सो ये सारे प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बहुत अमेजिंगली बनाए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ये पहले तो आपने बताना ये क्या है बच्चों। Our team of STEM explorers of 5 individuals. Today we have made a project for car safety using ultrasonic sensor to prevent the mishappenings happening on roads.
यहाँ पे हमने जो बनाया मेनली हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हम आप यहाँ नाम भी देख सकते हैं, अल्ट्रासोनिक कार सेफ्टी डिवाइस। हमें नाम से पता लग रहा है कि एक कार सेफ्टी डिवाइस है, जिसमें हमने मेनली जो यूज़ किया है वो है हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर। यहाँ पे जब भी सोनिका आपको वर्क करके दिखाई कि वर्क कैसे होता है, यहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कार में होते हैं तो हमें नहीं पता लगता हमारे पीछे से जो भी कार आ रही है, जो भी ऑटोमोबाइल्स आ रहे हैं वो कितने डिस्टेंस में है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें हमारे रियर व्यू मिरर्स जो हमारे कार के सामने लगे होते हैं उनसे भी हमें उनके डिस्टेंस नहीं पता लगता। और रात के टाइम पे अगर हम देख सकते तो रात के टाइम पे हमें नहीं पता लगता कि कोई कार, ये तो पता लगता है कि वो हमारे पीछे है पर वो कितने डिस्टेंस पे है। कभी कभार वो बहुत पास भी आ जाती है और इससे एक्सीडेंट्स होने के बहुत चांसेस रहते हैं। उसका हम सेंसेस को आगे भी यूज कर सकते हैं और पीछे भी यूज करते हैं। यहाँ पे हमने पीछे यूज किया है, अगर यहाँ से कोई कार आ रही है और वो अगर बहुत क्लोज आ जाते हैं, यहाँ पे हमने जो कोडिंग करी है वो C++ की करी है, तो यहाँ पे अगर 15 सेंटीमीटर से पास में अगर कोई कार आ रही है या कोई भी ऑटोमोबाइल हमें पीछे से आ रहा है तो हमें अलर्ट कर देगा। उसके बाद अगर वो बहुत ज्यादा क्लोज आने वाला है तो लाइक अभी एग्जांपल दिखा देते हैं, उसका डिस्टेंस भी यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, हमें अलर्ट कर देगा यहाँ पे बजर बज, यहाँ पे बजर बज के वो अलर्ट हो जाएगा। ये बजर से 15 सेंटीमीटर से और ज्यादा क्लोज हो रहा है तो यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगी कितने कितने सेंटीमीटर से वो पास कर रहा है। बहुत बढ़िया, जब कहीं आसपास जब आग लग जाती है कहीं पे और वो बंदा घर पे ना हो तो फिर उसके लिए पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में बताओ कि ये प्रोजेक्ट क्या है। सर ये फ्लेम डिटेक्टर है, ये आग को डिटेक्ट कर सकता है और अगर जैसे कि कोई घर पे ना हो और आसपास अगर आग लग जाए उसके घर में तो आसपास के लोग आवाज सुनने की वजह से तो वो आ सकते हैं उसके घर का आग बुझा सकते हैं। तो कैसे कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो आग लगी सर, जैसे आग बजर बजा और फैन ऑन हुआ क्योंकि अभी हीट है, अभी की वजह से धूप आ रही है, हीट आ रहा है तो ये बजर अपने आप ऑन हो जाता है। पहले अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। एक टाइप का यूटर सेफ्टी प्रोजेक्ट है, यूटर सेफ्टी प्रोजेक्ट है।